की हालचाल, मैं थोड़ा अपना सागर सिंह गुलवान और आज हम लोग आ चुके हैं द्वारका फैमिली फेयर मेले के अंदर, जो कि बहुत ही दिनों बाद लगाए, 3 साल बाद लगाए। कोविड के कारण ये मेला लग नहीं रहा था, तो इस बार ये मेला लगा है। 2022 का मेला किस तरीके का होने वाला है, कितनी राइड्स होने वाली है, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर आना है और क्या क्या खाने पीने को यहाँ पर मिलने वाला है, अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो किस तरीके से इन्जॉय कर पाएंगे, आप लोगों को यहाँ पर फैमिली को लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहिए। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ की लोकेशन बता देते हैं। द्वारका फैमिली फेयर मेले में आने के लिए आप लोग अगर मेट्रो से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ने वाला है द्वारका सेक्टर 11। अगर आप लोग अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो गूगल मैप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फॉलो करके आप लोग यहां आ सकते हैं। और यहां पर जो पार्किंग की सुविधा है वो बिल्कुल फ्री है, चाहे आप लोग बाइक से आते हैं चाहे आप लोग कार से आते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस है, आप लोग यहाँ पर अपनी बाइक और कार आराम से पार्किंग कर सकते हैं। यहीं पर मेले की डेट और टाइमिंग की बात कर लेते हैं। टाइमिंग शाम को 6 बजे से रात को 11 बजे तक ये मेला लगने वाला है और 3 जून से स्टार्ट हुआ है और 3 जुलाई तक ये चलेगा, तो यहाँ पर आप लोग कभी भी आ सकते हैं। टिकट काउंटर है और अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं आ रही, इसलिए यहाँ की टिकट बंद कर रखी है। टिकट एंट्री जो है सिर्फ 20 रुपये यहाँ की, आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये चालू हो जाए, लेकिन अभी कोई टिकट नहीं लग रही, तो आप लोग आ सकते हैं और फ्री एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आने के लिए आप लोगों को मास्क अनिवार्य है, मास्क आप लोगों को ज़रूर से लगाना है और बाहर एंट्री गेट पर ही यहाँ पर मास्क सेल हो रहे हैं। आप लोगों को 10 रुपये का मास्क अगर आप लोग नहीं लेके आते तो 10 रुपये का मास्क यहीं से ख़रीदना पड़ेगा इन भाई साहब से, और आप लोगों को तभी एंट्री मिलेगी। यहाँ पर गार्ड खड़े हुए हैं जो कि बिना मास्क के बिल्कुल भी एंट्री नहीं दे रहे, तो चलिए हम भी चलते हैं अंदर। तो भाई यहाँ पे देखो, ये लॉटरी वाला गेम है जिसके अंदर में ये बॉल्स जाएंगी नंबर के अंदर और आप लोगों की लॉटरी वगैरह भी खुल सकती है। भाई ये कैसे होता है गेम, थोड़ा बताएंगे? ये है ना सर, 6 बॉलें डालनी होती है ऐसे 1 by 1 करके नंबरों के अंदर। हाँ, जिस नंबरों के अंदर जाती है टोटल ऐड करना होता है, 369 9312 6 बॉलों का टोटल एडिशन करके ये पॉइंट मैच करना होता है। अच्छा, जो भी नंबरों में से मैच होता है ना उसी नंबर का गिफ्ट सेम मिलता है। ओके 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 ओके। तो कितने रुपए लगते हैं इसके एक बार के? 50 रुपीज़। तो दोस्तों आप लोग 50 रुपीज़ में ये गेम खेल सकते हो और वहाँ पर जो नंबर है वो सारे मतलब कि कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे कि जो भी नंबर आएंगे वो सारे कैलकुलेट करने के बाद में आप लोगों का जो भी है इनाम खुल सकते हैं। यहाँ पे भैया खड़े हुए हैं बॉल लेके। भैया ये क्या होता है, मतलब गिलास रखे हुए हैं किस हिसाब से? ये अच्छा, तो ये वाली बॉल रहेगी बड़ी वाली, अगर आप लोग सारे गिलास गिरा देते हो तो 200 रुपये आप लोग कैश इनाम मिल जाएगा। ये भी बढ़िया है भाई, मेले में आ जाओ फ्री में, 200 रुपये जीत के चले जाओ। आप लोग यहाँ पे स्मोक बिस्किट्स भी हैं, स्मोक बिस्किट और स्मोक वेफर्स, तो देखते हैं भाई ये ट्राई कर रहे हैं कैसा रिएक्शन आता है मेरा का। ये देखो ये क्या है भाई, ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, देखो नाइट्रोजन गैस से ही मतलब स्मोक बिस्किट बनाने वाले हैं अभी। और ये देखो भाई कितना धुआं निकल रहा है, अब भाई भी धुआं धुआं होने वाले हैं। भाई धुआं कहीं और से ना निकला, ध्यान रखना। ओह माय गॉड, वाओ। ये देखो भाई किस तरीके से भैया एंजॉय करते हैं। खाओ भैया खाओ। ओ भाई साहब क्या बात है। कैसा महसूस हो रहा है? ठंडा 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 ठंडा, कूल कूल। क्या रेट है इसके? 50 रुपये। तो 50 रुपीज़ में आप ये भी एंजॉय कर सकते हो, ये देख सकते हैं आप लोग 50 रुपीज़ में। तो भाई यहीं पर एक छोटा सा मंदिर भी मिल जाएगा आप लोगों को मेले के अंदर में, देखो कितना सुंदर है और जोत भी जल रही है यहाँ पे, कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे घंटी नहीं लगाई हुई, लेकिन ये देखो छोटी घंटी लगाई है। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो फटाफट से। तो भाई यहाँ पर देखो शूटिंग गन लगी हुई है। भैया क्या रेट है शूटिंग गन के? 50 के 6 बारी मिलेगी। अच्छा, और अगर 12 पे हिट हो जाता है तो क्या? ये तो एंजॉय के लिए होता है। अच्छा, इसमें इनाम नहीं होता?
तो गाइज आप लोगों को 50 रुपये के 6 शॉट मिलेंगे इसके अंदर, और अगर बीच में हिट हो जाता है तो ये आपके फ़न के लिए है, इसमें कोई इनाम वगैरह नहीं होता। अगर आप शूटिंग का मतलब मज़ा लेना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं 10 रुपीज़ की सेल लगी हुई है, 10 रुपीज़ में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हैं आप लोग ये क्लिचर्स हैं बालों के, और यहाँ पे हेयर बैंड मिल जाएंगे, और यहीं पर देख सकते हैं आप लोग कंघी भी मिल जाएगी 10 रुपीज़ में, तो बिंदियाँ भी है, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब सारा का सारा जो आइटम है यहाँ पर लेडीज़ आइटम है, काफ़ी सारे आइटम्स हैं यहाँ पर, आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर आते हैं। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी मिल जाएंगे आप लोगों को, अगर आपके साथ में छोटे बच्चे आ रहे हैं, आप लोग अगर कपड़ों की शॉपिंग करना चाहते हैं तो कपड़े भी आप लोगों को मिल जाएंगे, जीन्स मिल जाएगी, शर्ट्स मिल जाएगी, टी शर्ट्स मिल जाएंगी, और साइड में निक्कर वगैरह लगी हुई है, काफ़ी सारी वैरायटी आप लोग मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखो कुर्ते भी हैं, लेडीज़ आती है आपके साथ में तो सूट वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर। ये देख सकते हो इस तरीके के सूट्स हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो मिल जाएंगे आप लोगों को। तो भाई यहाँ के मैंने आप लोगों को सारे झूले दिखा दिए हैं, और झूले के जो प्राइजेज़ हैं वो 100 रुपये, 80 रुपये, और मतलब 100 रुपये से ऊपर कोई भी नहीं है, आप लोग कोई भी झूला झूल सकते हो। अभी जो बड़ा वाला जांट व्हील है ये बंद है, ये देख सकते हो आप लोग, ये वाला बंद है अभी, ये किसी कारण से चालू नहीं है, और आने वाले टाइम में चालू हो जाएगा, पूछा था मैंने। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं खाने पीने की ओर, तो खाने में क्या क्या यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहीं पर आप आ जाओ तो भाई यहाँ पे आप लोगों को गोलगप्पे, टिक्की और भेलपूरी, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, चना जोर गरम भी मिल जाएगा यहाँ पे, तो मतलब 50 रुपीज़ प्लेट है यहाँ पे, और टिक्की वगैरह खाते तो 70 रुपीज़ प्लेट है। तो भाई वड़ा पाव मिल जाएगा, पाव भाजी भी मिल जाएगी, तो भैया से पूछते हैं क्या रेट है, क्या रेट है भैया? पाव भाजी 100 रुपये और वड़ा पाव 50 रुपये आप लोगों को मिल जाएगा। देखो ताज़ा ताज़ा वड़े बनाए हुए हैं भैया ने, और लोग खा भी रहे हैं, आई थिंक सो टेस्टी होगा। देख सकते हो आप लोग अगर पान के शौकीन हो तो पान भी खा सकते हो। ये देखो भाई, ये पान लबो की जान, मीठा पान। ये देखो भाई, तो आपको रेट बताते हैं कितने का भाई पान? 20 रुपये से स्टार्टिंग है सर, 80 रुपये तक है। 20 रुपये से स्टार्टिंग है, 80 रुपये तक का पान मिल जाएगा, पान के शौकीन हो तो आप लोग खा सकते हो। ये देख लो भाई, तो यहीं पर आ जाते हैं, चीज़ पिज्ज़ा मिल जाएगा आप लोगों को, पिज़्ज़ा मिल जाएगा, तो पिज़्ज़ा के जो रेट्स हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं 70 रुपये से स्टार्ट हो जाता है पिज़्ज़ा, और आप लोगों को मिल जाएगा एंड टू एंड। देखो पिज़्ज़ा के स्टॉल पे काफ़ी भीड़ है, पिज़्ज़ा लवर काफ़ी है यहाँ पे, तो पिज़्ज़ा तो सभी को पसंद होता है, खासकर बच्चों को, तो पिज़्ज़ा काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। तो यहीं पर आप लोग आ जाओ तो भाई यहाँ मोमोज भी मिल जाएंगे आप लोगों को, अगर मोमोज लवर हो तो मोमोज भी मिल जाएंगे, और आप लोग मोमोज भी खा सकते हो यहाँ पे। तो भाई कितने रुपये प्लेट है? वेज भी नॉन वेज भी? अच्छा 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 ठीक है, तो भैया बता रहे हैं कि 100 रुपये, अच्छा अच्छा ठीक है, तो भैया बता रहे हैं कि 100 रुपये प्लेट है, चाहे आप नॉनवेज ले लो चाहे वेज ले लो, लेकिन भैया बोल रहे हैं कि जो फीलिंग है ना वो काफ़ी अच्छी की हुई है इन्होंने, तो आप लोग ये ज़रूर से ट्राई करना यहाँ पर आके। भैया का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लगा, एकदम से रिस्पॉन्स दिया भैया ने। यहाँ पर छोटे छोटे झूले हैं, इनके भी 50 रुपीज़ टिकट है दोस्तों, छोटे छोटे झूले हैं, लेकिन आपके बच्चे ना दिल खुश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे आप लोग। तो भैया कुल्लड़ वाली लस्सी मिल रही है, क्या रेट है भैया? तो ये वाली कुल्लड़ वाली 70 रुपये की है, और ये जो है डिस्पोजल वाली ये 50 रुपये की है, और वो जलजीरा, तो जलजीरा पियेंगे तो वो आप लोग को 30 रुपये का पड़ेगा भाई। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टैटू का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग टैटू भी करवा सकते हैं, और काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनर्स भी दिखाए हुए हैं यहाँ पे, और इसके जो प्राइजेस हैं वो आप लोगों को ब्लैक टैटू करवाना है 200 रुपये स्क्वायर इंच में, और आपको कलर लगवाना है तो 400 स्क्वायर इंच में करवा सकते हैं आप लोग ये। ड्रैगन वाली राइड है वो यहाँ पर है, देखो भाई ये ड्रैगन वाली राइड आप लोगों ने सिनेमैटिक्स में एंजॉय की होगी, इसकी जो टिकट लगने वाली है वो 100 रुपीज़ लगने वाली है। यहाँ पर जो ऑलमोस्ट सारे झूले हैं ना वो 80 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, मतलब कि इससे ज़्यादा वो रेट नहीं है, 100 रुपीज़ से किसी का भी ऊपर रेट नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पूरा भर के जा रहा है, ये देखो सभी लोग इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें देखने में। और
तो यहाँ पर दोस्तों ब्रेकिंग कार भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। 100 रुपीज़ की इसकी टिकट है और 120 सेकंड आप लोग घुमाया जाएगा, यानी कि 2 मिनट तक की ये राइड होगी और इसमें आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। यहीं पर आप लोग देख सकते हैं 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई है, ज्वेलरीज है यहाँ पे, ये 100 रुपीज़ की सेल है, आप कोई भी लेते हो 100 रुपीज़ की सेल है। तो भाई अभी मैंने मेले से एग्जिट ले लिया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ की जो राइड्स हैं वो 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ से ऊपर नहीं है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। महंगी राइड्स नहीं है, आप लोग अपने बच्चों को लाकर एंजॉय कर सकते हैं। अभी भीड़ काफ़ी कम है तो आप लोग बच्चों को लेके आएंगे तो आप लोगों का ये फ़ायदा होगा कि भीड़ में धक्का मुक्की नहीं होने वाली। और दूसरी बात, यहाँ पे सारे मतलब कि अच्छे घरों के लोग ही आ रहे हैं, मैंने ये चीज़ भी एक्सपीरियंस की यहाँ पे, मतलब कि कई लोकल जगहों पे मेले वगैरह होते ना तो वहाँ के लड़के वगैरह मतलब कि छेड़ाछाड़ी बदतमीज़ी वाला कोई सीन नहीं है। काफ़ी अच्छा मेला था और आप लोग अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ आ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। मेले की जो टाइमिंग है वो मैंने स्टार्टिंग में भी बता दी है और अभी भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मेला शाम को 6 बजे से रात 11 बजे तक लगता है, आप लोग सारी राइड्स एंजॉय कर सकते हो, फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोगों को इतनी दूर दूर आके वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, प्लान बनाओ भाई मेले के अंदर आने की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।